नमस्कार बच्चों मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेक्स की। तो लास्ट क्लासेस से हम क्या सुनते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट है जो मॉर्गन थे उन्होंने क्या किया फ्रूट फ्लाई गैस्टर पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने उससे क्या प्रूफ किया हमारी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे ही सेक्स डिटर्मिनेशन को फाइंड करने के लिए एक साइंटिस्ट थे हेंकिंग उन्होंने भी इंसेक्ट्स के ऊपर क्या किए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए आइए देखते हैं क्या किया तो जो हमारे हैंकिंग थे उन्होंने 1891 में कब 1891 में कुछ इंसेक्ट्स में कुछ इंसेक्ट्स में क्या स्टडी किया सेक्स डिटर्मिनेशन स्टडी किया क्या स्टडी किया सेक्स डिटर्मिनेशन स्टडी किया मतलब उन्होंने ये देखने की कोशिश करी कि कैसे एक इंसेक्ट मेल बनता है और कैसे एक इंसेक्ट फीमेल बनती है ठीक है यह देखने के लिए उन्होंने क्या किया कुछ स्टडीज करी ये स्टडीज करते करते उनको क्या दिखा उनको इंसेक्ट के सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर इनको क्या दिखी एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिखा क्या दिखा इनको एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिखा इतनी बात समझ आई और उन्होंने ये बोला कि जब ये इंसेक्ट क्या करता है जब ये इंसेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस करता है क्या करता है स्पर्मेटोजेनेसिस करता है तो क्या बनाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनाएगा क्या बनाएगा स्पर्म बनाएगा तो ये जो स्पर्म्स बना रहा है इंसेक्ट इसमें से 50% परसेंट ऑफ स्पर्म्स में 50% परसेंट ऑफ स्पर्म्स में क्या मिली ये जो एक्स स्ट्रक्चर है ये मिला और जो दूसरे 50% परसेंट स्पर्म्स थे जो दूसरे 50% परसेंट स्पर्म्स थे उनमें ये स्ट्रक्चर नहीं मिला क्या हुआ हैंकिंग थे उन्होंने इंसेक्ट्स के ऊपर सेक्स डिटरमिनेशन पता करने के लिए स्टडीज किया तो उन्होंने देखा कि जब इंसेक्ट्स परमेटोजेनेसिस करते हैं तो उन्होंने सेल में एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा और वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जब स्पर्म्स बनते हैं तो 50% स्पर्म्स में मिलता है और 50% स्पर्म्स में ये स्ट्रक्चर नहीं मिलता है ये उन्होंने बात पता करी अब ये जो एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था इसको हैंकिंग ने क्या बुलाया इसको हैंकिंग ने बुलाया एक्स बॉडी क्या नाम, नाम रख दिया इस स्ट्रक्चर का एक्स बॉडी नाम रख दिया ठीक है अब जैसे हैंकिंग ने इन इंसेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था वैसे ही हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट्स थे कौन थे दूसरे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी क्या किए स्टडीज किए इंसेक्ट्स के ऊपर तो उन्होंने इन साइंटिस्ट ने बोला कि जो ने एक्स बॉडी ढूंढी है वो एक्चुअली में है क्या वो एक्चुअली में एक एक्स क्रोमोजोम है क्या है एक्स क्रोमोजोम जो कि क्या डिटरमाइन करने में मदद कर रहा है जो कि इंसेक्ट का सेक्स डिटरमिनेशन में मदद कर रहा है इंसेक्ट का सेक्स डिटरमिनेशन में मदद कर रहा है इसलिए इस एक्स क्रोमोजोम को क्या बुलाया सेक्स क्रोमोजोम बुलाने लग गए एक्स क्रोमोजोम को क्या बुलाने लग गए सेक्स क्रोमोजोम बुलाने लग गए तो एनी क्रोमोजोम एनी क्रोमोजोम जो एक ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करके जाए उसको हम क्या बोलेंगे सेक्स क्रोमोजोम बोलेंगे क्या बोलेंगे सेक्स क्रोमोजोम बोलेंगे इतनी बात समझ आई अब इस सेक्स क्रोमोजोम को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे कि सेक्स क्रोमोजोम को कॉमनली सेक्स क्रोमोजोम तो बोला ही जाता है लेकिन सेक्स क्रोमोजोम को और बहुत सारे पेट नेम से जाना जाता है जैसे कि एलोजोम राइट right, इडियोजोम इडियोजोम एंड हेटरोजोम ठीक है ऐसे काफी सारे हमने नाम सुने हैं लेकिन ये सारे के सारे क्या है सेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं इतनी बात समझ आई ये सारे क्या करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं इनकी प्रेजेंस या फिर इनकी एब्सेंस क्या डिटरमाइन करके जाती है एक ऑर्गेनिज्म का क्या सेक्स होगा क्या जेंडर होगा मेल होगा या फीमेल होगा ये क्या डिसाइड करके जाती है इतनी बात समझ आ गई अब अगर हमारा जो सेक्स है अगर हमारा जो ऑर्गेनिज्म का जेंडर है अगर वो क्रोमोजोम के वजह से क्रोमोजोम के वजह से डिसाइड किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोजोम तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे क्रोमोजोमल डिटर्मिनेशन क्या बोलेंगे क्रोमोजोमल डिटर्मिनेशन इतनी बात समझ आई इतनी बात समझ आई तो अब ये जो क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है ये कितने टाइप्स के होते हैं चार टाइप्स के होते हैं आओ देखो तो यहां पर क्या है हम लिखेंगे क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन ठीक है कितने टाइप्स बोले हमने इसके चार टाइप्स बोले कितने टाइप्स बोले चार टाइप्स बोले चार टाइप्स है ठीक है कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास जो टाइप यहां पर आता है वो आता है हमारा एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप कौन सा एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप ठीक है इतनी बात आई समझ दूसरा टाइप हमारा यहां पर आता है एक्स 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 एंड एक्स नॉट टाइप या एक्स ओ टाइप ठीक है तीसरा टाइप हमारा यहां पर आता है जेड डब्ल्यू या फिर जेड जेड टाइप क्या आएगा जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड टाइप और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा फोर्थ टाइप हमारे पास आएगा Z नॉट या Z O या फिर ZZ जेड टाइप क्या है हमारे पास मेंब्ल्यू जेड जेड टाइप एंड जेड ओ जेड ZZ टाइप कितने टाइप्स हो गए हमारे पास में चार टाइप्स हो गए ये वाले टाइप्स हमारे को कहा मिलेंगे ये वाले टाइप्स हमारे को ह्यूमन में मिलेंगे राइट एंड साथ ही में हमारे को कहा मिलेंगे फ्रूट फ्लाई में मिलेंगे कहा मिलेंगे फ्रूट फ्लाई में मिलेंगे ठीक है एक्स एक्स एंड हमारे को मिलेंगे राउंड वर्म में कहा जो हमने प्लांट एनिमल किंगडम में पढ़ा था राउंड वर्म में मिलेंगे साथ ही में हमारे को कहा मिलेंगे ग्रास हॉपर्स में मिलेंगे कहा मिलेंगे जो आपके ग्रास हॉपर्स होते हैं उनमें मिलेंगे जेड डब्ल्यू एन जेड जेड आपको मिलेगा बर्ड्स में. में, में भी मिलेगा कहा मिलेगा कुछ रेप्टाइल्स में मिलेगा फिशेज में भी मिलेगा और साथ ही में सिल्क वॉर्म में भी मिलेगा आई बात समझ में अब हमारे पास बचता है ये जेडो जेड जेड टाइप दैट इज ये हमारे को मॉथ्स में मिलेगा एंड हमारे को कहा मिलेगा बटरफ्लाई में मिलेगा इन टाइप से हमारे इन सभी ऑर्गेनिजम्स की क्या डिसाइड होती है सेक्स डिसाइड होती है जेंडर डिसाइड होती है अब क्या करेंगे एक एक टाइप को उठाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे शुरू करें चलिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हमारे एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप के बारे में ठीक है आइए तो ये हमारा जो एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप है ये कहा मिलता है हमारे को हमने अभी जाना कि ये हमारे को मिलता है ह्यूमंस में कहा मिलता है ह्यूमंस में मिलता है और साथ ही में हमारे को कहा मिलता है फ्रूट फ्राई फ्लाई में जिसको हमने क्या बोला था ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर जिसके ऊपर किसने काम किया था जिसके ऊपर टी एच मॉर्गन ने थॉमस हंट मॉर्गन ने काम किया था एक्सप्लेन क्या किया था क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई बात समझ में चलो अब हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेकर यहां यहां पर बात करते हैं कि जो ह्यूम है 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 हमारे पास ह्यूमंस ठीक हम ह्यूमंस में हम ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं हमारे पास में ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं क्या होते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं ठीक है आई बात समझ में अब इन 23 में से इन 23 में से हमारे पास में ट्वेंटी टू पेयर्स क्या होते हैं ट्वेंटी टू पेयर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स क्या बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स आई बात समझ में उसके बाद में हमारे पास में जो एक पेयर बचता है ये जो एक पेयर होता है ये हमारे किसका होता है सेक्स क्रोमोजोम का होता है किसका होता है सेक्स क्रोमोजोम का होता है ठीक है आई बात समझ में ठीक है और हमारे पास में क्या होता है दो सेक्स है हमारे पास में या तो मेल होगा या फिर क्या होगा फीमेल ठीक है यही होगा अगर हमारे पास में मेल है अगर हमारे पास में मेल है, तो हमारा जो सेक्स का होगा, होगा। होगा? होगा। वो -वाई होगा. क्या होगा? -वाई होगा. और अगर फीमेल है तो हमारे पास क्या होगा पेयर एक्स एक्स होगा क्या होगा पेयर एक्स एक्स होगा इतनी बात समझ आई इतनी बात समझ आई चलो तो अब क्या है यहां पर हमारे पास में ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में फीमेल है और मेल है यहां पर क्या लिखेंगे हम फीमेल लिखेंगे और साथ ही में हम क्या लिखेंगे मेल लिखेंगे ठीक है आई बात समझ में फीमेल्स में हमारे पास में क्या होंगे क्या होंगे हमारे पास में दो पेयर्स तो ऑटोजोम के होंगे क्या होंगे दो पेयर तो ऑटोजोम के होंगे एंड बाकी क्या होगा हमारे पास में एक्स एक्स होगा दैट इज द सेक्स क्रोमोजोम का पेयर आई बात समझ में ये किस में हुआ फीमेल में हुआ अब हमारी ये फीमेल क्या करेगी अब इस फीमेल को क्या बनाना है गैमिटोजेनेसिस करना है क्या करना है गैमिटोजेनेसिस करने करना है यहां लिख देते हैं गमीटो मतलब क्या होगा फीमेल में ओ होगा एग बनेगा तो एग कितने बनेंगे यहां पर एग की प्लॉइडी क्या रहेगी ये प्लॉइडी तो 2n है ये जो प्लॉइडी है ये कैसी है 2n है गेमिटोजेनेसिस होने के लिए क्या होगा मियोसिस होगा मतलब हाफ हाफ में रिडक्शनल डिविजन होएगा क्या होएगा रिडक्शनल डिविजन होएगा कैसे हाफ हाफ में रिड्यूस होंगे तो यहां पर क्या आएगा एक हमारा ऑटोजोम का पेयर यहां पर आ जाएगा और एक एक्स क्रोमोजोम यहां पर आ जाएगा ठीक है सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा एक ऑटोजोम यहां आएगा और एक एक्स का पेयर का एक एक्स यहां पर आ जाएगा एक्स एक्स का एक पेयर का एक्स कहां आ जाएगा यहां आ जाएगा तो फीमेल ने क्या बनाया एग वन बनाया और एग टू बनाया दोनों क्या बनाए एग्स बनाए और दोनों के जीनोटाइप कैसे हैं दोनों के जीनोटाइप एग्स के सेम है मतलब कैसे गमीट्स बनाए कैसे गमीट्स बनाए यहां पर सेम गमीट्स बनाए और इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोगिटी या फिर क्या बोलेंगे होमोगिक गमीट्स बनाए हैं सेम गमीट्स बनाए हैं क्या है इसको हम होमोगिटी बोलते हैं मतलब सेम सेम गमीट्स बनाए हैं तो ह्यूमंस में जो फीमेल है वो कैसी है होमोगेटिक है कैसी है होमोगेटिक है नाउ अब यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि फीमेल तो सेम रही है दोनों अपने एग्स दोनों गमीट सेम बना रही है जीनू टाइप वाइज तो यहां पर अब मेल की बारी आई कि मेल कैसे बना रहा है अपने तो यहां देखते हैं कि मेल के पास में भी क्या होंगे दो पेयर ऑफ ऑटोजोम्स होंगे बात आती है यहां पर मेल के सेक्स क्रोमोजोम के पैर की कि मेल के पास में सेक्स क्रोमोजोम का पैर क्या है 2A ए प्लस एक्स है ठीक है क्या बनाएंगे हम अब हम बनाएंगे मेल के गमीट्स क्या बनाएंगे मेल के गमीट्स बनाएंगे क्या करेंगे हम यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे जिसमें कि क्या होएगा मियोसिस होएगा राइट एंड कैसे स्पर्म्स बनेंगे दो स्पर्म्स बनेंगे हमारे पास में कैसे स्पर्म्स बनेंगे दो तरीके के स्पर्म्स बनेंगे कैसे वाले बनेंगे बताओ ए तो यहां पर भी आएगा ठीक है और एक ए यहां पर भी आएगा राइट दो है तो हाफ ऑफ डिवाइड हो गए एक में हमारे पास में एक्स क्रोमोजोम आएगा एक में क्या आएगा हमारे पास में एक्स क्रोमोजोम आएगा और दूसरे में हमारे पास में क्या आएगा वाई क्रोमोजोम आएगा तो मेल ने क्या बनाए मेल ने हमारे दोनों स्पर्म्स जीनोटिपिकली अलग अलग बनाए हैं डिफरेंट बनाए हैं मतलब कैसे है, है यहां पर मेल कैसा हो गया ह्यूमंस का हेटरोगैमिटिक। मतलब क्या बना रहा है अलग अलग स्पर्म्स बना रहा है ठीक है तो मेल्स में क्या होता है 50% तो जो स्पर्म होता है वो एक्स कैरी करता है और 50% जो स्पर्म्स होते हैं वो वाई कैरी करते हैं क्या कैरी करते हैं वाई कैरी करते हैं इसलिए ह्यूमंस में या एक्स 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 वाई टाइप में जो हमारा मेल है वो कैसा है हेटरोगैमेटिक है जबकि जो हमारी फीमेल है वो कैसी है होमोगामेटिक है क्योंकि उसने दोनों एग कैसे बनाए हैं सेम जीनोटाइप वाले बनाए हैं आई बात समझ में इतनी बात समझ में आई चलो तो ये कहां पर हो रहा है XXn XY टाइप हमारा ये ह्यूमंस में हो रहा है एंड फ्रूट फ्लाई में हो रहा है ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर में हो रहा है आई बात समझ में नेक्स्ट पे बढ़े तो अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हमारे XXn XO टाइप की जो कि कहां होता है ग्रास हॉपर में होता है कहा होता है ग्रास हॉपर में होता है साथ ही में किसमें होता है राउंड वर्म्स में भी होता है किसमें होता है राउंड वर्म्स में भी होता है ठीक है अब यहां पर कैसे हो रहा है यहां पर यह हो रहा है कि एक्सएक्स एंड एकस एक्सो टाइप है क्या है एक्स एक्स एंड एक्सओ टाइप है तो जो हमेशा कहा लिखा जा रहा है जो हमेशा पहले लिखा जा रहा है उसको हम याद रखेंगे कि वो क्या है फीमेल के लिए लिखा जा रहा है हमने ह्यूमंस में भी क्या लिखा था हमने ह्यूमंस में भी सबसे पहले फीमेल का लिखा था फिर हमने किसका लिखा था मेल का लिखा था तो हमेशा हम क्या कहते हैं लेडीज फर्स्ट क्या कहते हैं लेडीज फर्स्ट तो ये क्या होगा फीमेल का होगा जो पहले लिखा जाएगा और जो बाद में लिखा जाएगा वो किसका होएगा मेल का लिखा जाएगा ठीक है इतनी बात समझ आ नाउ तो यहां पर फीमेल का क्या होगा जो फर्स्ट लिखा गया है दैट इज एक्स एक्स वो क्या है एक्स एक्स है फीमेल का एंड जो हमारा ये एक्स ओ है जो क्या है एक्स ओ है ये क्या होगा ये होगा हमारा मेल के लिए किसके लिए होगा मेल्स के लिए होगा शुरू करें देखें कि कैसे गमीट्स बनते हैं आ जाइए तो हमारे पास यहां पर क्या है एक्स एक्स एंड एक्सो टाइप है यहां पर हम क्या लिखेंगे लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर क्या लिखेंगे ग्रास हॉपर की बात कर रहे हैं राइट अब ग्रास हॉपर में क्या होगी फीमेल भी होगी ग्रास हॉपर में क्या होगी फीमेल भी होगी एंड ग्रास हॉपर में क्या होगा मेल भी होगा ठीक है राइट right. अब इनमें क्या होंगे फीमेल में हमारे पास में यहां पर कैसा टाइप है एक्स एक्स एंड एक्सो टाइप है ठीक है यहां पर दो ऑटोजोम्स होंगे दो पेयर ऑफ ऑटोजोम्स होंगे फीमेल के पास में और उसका जो सेक्स क्रोमोजोम का पेयर होगा वो क्या होगा एक्स एक्स होगा क्या होगा एक्स एक्स होगा अब जब क्या बनाएगी ये फीमेल अपने गमीटो जेनेसिस करेगी एग्स बनाएगी वो जेनेसिस करेगी तो इसके जो एग्स हैं वो कैसे बनेंगे कैसे बनेंगे सोच के देखो एक ऑटोजोम यहां जाएगा एक ऑटोजोम यहां जाएगा साथ में एक एक्स यहां जाएगा और एक दूसरा जो एक्स है वो यहां जाएगा ये क्या है हमारा एग वन है ये क्या है हमारा एग टू है दोनों हमारे जो एग्स हैं सेम हैं तो हमारे यहाँ पर एकस 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 ओ टाइप में जो फीमेल्स होती हैं वो कैसी होंगी, होंगी. कैसे होंगी होमोगीटिक होंगी क्योंकि दोनों ने क्या बनाया है सेम तरीके का एग बनाया है मेल पे चलते हैं मेल में देखते हैं कि मेल में कैसा है हमारा यहाँ पर दो पेयर ऑफ ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम का पेयर कैसा है टू एक्स और ओ है ठीक है अब क्या करेंगे ये ये स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे ठीक है क्या बनेंगे यहां पर दो स्पर्म्स बनेंगे क्या बनेंगे दो स्पर्म्स बनेंगे राइट right? एक स्पर्म में पहले तो दोनों स्पर्म में क्या होंगे ऑटोजोम्स ऑटोजोम्स डिवाइड हो जाएंगे फिफ्टी फिफ्टी परसेंट एक में क्या जाएगा X क्रोमोजोम जाएगा एक में क्या जाएगा X क्रोमोजोम जाएगा और दूसरे में क्या जाएगा कुछ भी नहीं जाएगा नथिंग विल गो सिर्फ क्या जाएंगे ऑटोजोम जाएंगे तो 50 परसेंट हमारे पास में तो ये जो हमारे क्या है स्पर्म्स ए प्लस एक ऑटोजोम प्लस X क्रोमोजोम वाले होंगे वो 50 परसेंट होंगे और ओनली ऑटोजोम्स वाले हमारे कितने होंगे 50 होंगे आई बात समझ में तो मेल यहां पर दोनों स्पर्म्स कैसे बना रहा है अलग अलग बना रहा है मतलब मेल कैसा है एक्स एक्स एंड एक्सो टाइप में हेटरोगैमेटिक है कैसा है हेटरोगैमेटिक है आई बात समझ में इतनी बात समझ में आई अब जब इनकी मेटिंग हो रही है तो यहां पर क्या होएगा यहां पर फिफ्टी फिफ्टी चांसेस है कि कोई भी स्पर्म आकर किसी भी एग से मीट कर सकता है तो एग तो सेम है एग तो सारे क्या है सेम है तो सेक्स डिटरमाइन करके कौन जा रहा है कौन सा स्पर्म एग के साथ में फ्यूज करेगा यही डिटरमाइन करके जाएगा क्या कि हमारा जो ग्रास हॉपर है वो फीमेल बनेगा एक्सेक्स बनेगा या एक्सो बनेगा अगर एग के साथ में ए प्लस एक्स क्रोमोजोम वाला स्पर्म फ्यूज किया तो क्या बनेगा फीमेल बनेगा और अगर सिर्फ ऑटोजोम्स वाला स्पर्म फ्यूज करता है तो क्या बनेगा मेल बनेगा जिसका जीनोटाइप क्या होगा ऑटोजोम्स प्लस एक्सओ आई बात समझ में इतनी बात समझ में आ रही है नेक्स्ट टाइप पे आते हैं जो कि क्या है हमारा जो कि है हमारा जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड कहा होता है बर्ड्स में होता है <coughs> कहा होता है हमने पढ़ा कि बर्ड्स में होता है कुछ रेप्टाइल्स में सम रेप्टाइल्स साथ ही में कौन से फिशेस? इन सब में हमारे पास क्या होता है और हमारे सिल्क वर्म में क्या है हमारा जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड टाइप होता है ठीक है बात कर ले यहां पर कि हमारे पास क्या होंगी हमारे पास में फीमेल्स होंगी ठीक है फीमेल होगी राइट एंड हमारे पास में क्या होंगे मेल्स होंगे ठीक है पहले लिखा है तो जेड डब्ल्यू किसका होगा फीमेल का होगा तो यहां पर क्या होंगे दो पेयर ऑफ ऑटोजोम्स फीमेल का जीनोटाइप कैसे होएगा फीमेल का जीनोटाइप होएगा दो पेयर ऑफ ऑटोजोम्स एंड ब्ल्यू क्या हुआ दो पेर ऑफ ऑटोजोम्स एंड जेड डब्ल्यू और मेल का क्या होगा दो पेर ऑफ ऑटोजोम्स एंड जेड जेड क्योंकि हमेशा हम सबसे पहले क्या लिखते हैं लेडीज फर्स्ट याद रखना है ये बात तो यहां पर जब हमारी बर्ड क्या बनाएगी गमीट्स बनाएगी क्या बनाएगी गमीट्स बनाएगी गैमेटोजेनेसिस करेगी एग बनाएगी क्या बनाएगी एग बनाएगी एग में क्या जाएगा पेयर ऑफ ऑटोजोम तो जाएगा वन हियर एंड वन हियर दोनों एग्स में एग वन में भी एंड एग टू में भी अब ये डिवाइड होंगे z आ गया एक एग में एंड w जाएगा दूसरे एग में तो यहां पर कुछ बदलाव दिखा आपको यहां पर क्या दिखा कुछ चेंज दिखा क्या चेंज दिखा कि अभी तक हमारी xxxxy टाइप में साथ ही में हमारी XX एक्सो टाइप में जो फीमेल थी वो होमोगेमेटिक थी बट यहाँ पर क्या हुआ है कुछ अलग हुआ है और यहाँ पर जो हमारी फीमेल है उसने दो अलग जीनोटाइप के एक्स बनाए हैं एंड हमारी फीमेल यहाँ पर क्या हो गई है हेटरोगैमेटिक हो गई है क्या शो कर रही है हेट्रोगिटी शो कर रही है मतलब दो अलग तरीके के एग्स बना के जाएगी तो 50% परसेंट हमारे एग्स कैसे बनेंगे ए प्लस जेड वाले एंड 50% परसेंट कैसे बनेंगे ऑटोजोम प्लस ऑटोजोम प्लस डब्ल्यू क्रोमोजोम वाले आगे बात समझ में मेल के पास चले तो मेल क्या बनाएगा मेल भी अपने स्पर्म्स बनाएगा मेल भी अपने स्पर्म्स बनाएगा ठीक है अब ये मेल स्पर्म कैसे बनाएगा ऑटोजोम को पहले से डिवाइड कर देते हैं ऑटोजोम को पहले डिवाइड कर देते हैं अब ये Z एक में चला जाएगा दूसरे में Z चला जाएगा क्या दिख रहा है यहां पर हमारा स्पर्म वन और स्पर्म टू कैसे हैं दोनों सेम है कैसे हैं सेम है तो फॉर अ चेंज हमारा Z और Z टाइप में जो मेल्स हो गए वो क्या शो कर रहे हैं होमोग शो कर रहे हैं कैसे हो गए हैं होमोगिक हो गए हैं कैसे हो गए हैं होमोगटिक हो गए हैं सेम तरीके के दोनों स्पर्म्स बना रहे हैं यहां पर क्या हुआ है फीमेल ने दो अलग अलग एक्स बनाए वहां पे मेल ने सेम सेम स्पर्म्स बनाए तो यहां पर सेक्स डिटरमाइन करने वाला कौन सा जेंडर है हमारी फीमेल है क्योंकि फीमेल क्या बना रही है दो अलग अलग एग बना रही है स्पर्म तो सेम ही आ रहे हैं अब वो स्पर्म इस एग से फ्यूज करेगा या वो स्पर्म एग वन से फ्यूज करेगा कौन सा पहले तो स्पर्म तो सारे एक ही स्पर्म एग टू से फ्यूज करेगा तो फीमेल बनेगी और स्पर्म अगर एग वन से फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा मेल बनेगा क्योंकि जो हमारे मेल्स हैं वो क्या कैरी कर रहे हैं वो तो ही कैरी कर रहे हैं Z अगर एग वन से फ्यूज करेगा तो मेल बनेगा और Z अगर W से फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा फीमेल बनेगा इतनी बात आई समझ में इतनी बात आ रही है क्या समझ में ठीक है चले नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जहां पर हम पढ़ने वाले हैं हमारे जेड ओ एंड जेड जेड टाइप जो कि किस में होता है हमारा बटरफ्लाई में होता है और मौत में होता है कहाँ होता है बटरफ्लाई और मौत में होता है दोनों की आप यहां पर क्या देख सकते हैं पिक्चर्स देख सकते हैं ये क्या है कलरफुल सी बटरफ्लाई है और ये थोड़ी सी डरावनी सी भयानक सी कौन है हमारी मौत है ठीक है चलो अब मौत में हमारा क्या टाइप हो रहा है मौत में हमारा हो रहा है जेड ओ एंड जेड जेड टाइप तो पहला फर्स्ट लेडीज है तो ZO कौन होंगी फीमेल्स होंगी ZO कौन होंगी फीमेल्स होंगी तो फीमेल्स का यहां पर लिख दे क्या लिखेंगे कि फीमेल्स में दो पेयर ऑफ ऑटोजोम्स और साथ में क्या जीनो टाइप होगा जेड ओ और मेल्स में क्या होगा ये किसके लिए होगा मेल्स के लिए होगा किसके लिए होगा मेल्स के लिए होगा अब मेल्स में क्या जीनोटाइप होएगा? दो पेयर ऑफ ऑटोजोम्स और साथ में जेड जेड क्या होगा जेड जेड होगा आ गई बात समझ में अब क्या कराएंगे हम इनके गैमिटोजेनेसिस कराएंगे क्या कराएंगे गैमिटोजेनेसिस कराएंगे फीमेल में एग बनाने हैं दो एग बनेंगे पहले तो सबसे पहले ऑटोजोम्स को इक्वली डिवाइड कर दिया ठीक है एक इधर एक इधर दो थे कर दिया डिवाइड Z को इस एग में डाल दिया एंड एक ओ इसमें चला गया मतलब कुछ भी नहीं आया कोई क्रोमोजोम नहीं आया इस ओ का क्या मतलब है कोई भी क्रोमोजोम नहीं आया इस एग के अंदर मतलब कि एग टू में सिर्फ और सिर्फ क्या है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑटोजोम्स हैं और जबकि एग वन में हमारे पास में ऑटोजोम के साथ में Z क्रोमोजोम भी है क्या है Z क्रोमोजोम भी है तो यहां पर हमारे को क्या मिला कि फीमेल्स ने 50 परसेंट तो ऑटोजोम प्लस जेड क्रोमोजोम दिए हैं एग्स और 50 परसेंट हमारे को सिर्फ ऑटोजोम वाले एग्स दिए हैं मतलब कि जेड टाइप में जो हमारी फीमेल्स हैं वो कैसी हैं है, हेटरो है हेटरो क्या है गैमेटिक है आई बात समझ में मेल्स के ऊपर अगर हम चलते हैं तो मेल्स में हमारे पास में क्या बनेंगे दो स्पर्म्स बनेंगे क्या बनेंगे दो स्पर्म्स बनेंगे ठीक है क्या टाइप बनेंगे सबसे पहले तो इक्वली हम क्या डिवाइड कर देंगे ऑटोजोम डिवाइड कर देंगे क्या डिवाइड कर देंगे ऑटोजोम डिवाइड कर देंगे अब यहां पर एक जेड क्रोमोजोम इसमें जाएगा और एक जेड क्रोमोजोम इसमें जाएगा तो यहां पर जो हमारे स्पर्म्स बन रहे हैं वो दोनों जीनोटिपिकली सेम बन रहे हैं दोनों सेम बन रहे हैं मतलब Z और ZZ टाइप में जो हमारे मेल्स हैं वो सेम स्पर्म्स बना रहे हैं मतलब कैसे हैं होमोगैमेटिक हैं होमोगी शो कर रहे हैं इतनी बात समझ आई इतनी बात समझ आई तो हम यहाँ क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास में हमारे पास में अगर हम एक टेबल बनाते हैं यहां पर एक चलो टेबल बना के देखते हैं ठीक है ये एक हमने टेबल बनाई राइट एंड ये हमने कितने टाइप्स पढ़े चार टाइप्स पढ़े कितने टाइप्स पढ़े चार पढ़े चार कॉलम्स बना लेते हैं ठीक है यहां पर एक तरफ तो हम लिख देते हैं कि होमोगैमिटी क्या है होमोगैमिटी कौन शो कर रहा है एंड हेटेमिटी कौन शो कर रहा है ठीक है सही है राइट एंड यहां पर क्या लिख देते हैं हम टाइप्स लिख देते हैं सबसे पहले एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप ठीक है एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप फिर लिखेंगे हम जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड टाइप और फिर हम क्या लिखेंगे जेड ओ एंड जेड जेड टाइप अब हम अंदर क्या करेंगे फिलिंग करेंगे तो एक्स एक्स एन एक्स वाई में दो अलग अलग कौन बना रहा था सबसे पहले तो सेम कौन बना रहा था हमारी जो फीमेल थी वो क्या बना रही थी सेम एग्स बना रही थी क्या बना रही थी सेम एग्स बना रही थी जबकि हेट्रोगेमेटिक हेट्रोगेमिटिकॉन कर रहा था अलग अलग स्पर्म कौन बना रहा था मेल बना रहा था एक्स एक्स एन एक्सो टाइप में जो फीमेल थी वो क्या बना रही थी हमारे हमारे सेम एग्स बना रही थी जबकि हेट्रोगेमेटिक हेट्रोगेमेटिकॉन कर रहा था मेल कर रहा था यहां पे केस दोनों में उल्टा हो जाता है जो मेल है वो है करता है और फीमेल हेट्रोगिटी करती है मतलब दो अलग अलग तरीके के एग्स बनाती है जेड ओवन जेड जेड टाइप में क्या होता है होमोगिटी कौन कर रहा था हमारा मेल होमोगिटी कर रहा था जबकि हेट्रोगिटी कौन कर रहा था फीमेल कर रही थी कौन कर रही थी फीमेल कर रही थी इतनी बात आई समझ में इतनी बात आई समझ में ठीक है चलो तो ये क्या हुआ हमारा ये हुआ हमारा कंप्लीट सेक्स डिटर्मिनेशन एक बार देख लेते हैं कि एनसीआरटी यहां पर क्या बोल कर जाती है आइए तो एनसीआरटी बोलती है कि जो हैंकिंग हैं उन्होंने 1891 में इंसेक्ट्स के अंदर कुछ सेल्स में ऑब्जर्वेशन किए जिससे कि उनको पता चला कि जो कॉन्सेप्ट है जेनेटिक क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब कि क्रोमोजोम से जीन के पेयर से क्या डिटरमाइन ऑर्गेनिज्म का सेक्स तो डिटरमाइन 1891 में एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में दिखाई दिया आई बात समझ में उसके बाद में उन्होंने देखा कि वो जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो 50 परसेंट ऑफ द स्पर्म्स को तो मिला है लेकिन 50 ऑफ द स्पर्म्स को नहीं मिला है कब स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में क्योंकि क्या हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है हमारे जो जीन पेयर्स है जो क्रोमोजोम पेयर्स हैं वो क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं एंड ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था इसको हैंकिंग ने क्या बोला इसको हैंकिंग ने एक्स बॉडी बोला फिर जब दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करे तो उन्होंने पता लगाया कि ये जो एक्स बॉडी था ये और कुछ नहीं बल्कि था। क्या था ये? था। और ये करके जा रहा था इसलिए एक्स क्रोमोजोम को क्या बुलाया सेक्स क्रोमोजोम बुला दिया आई बात समझ में इतनी बात समझ में आई ठीक है फिर क्या हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम क्रोमोसोम की मदद से करते हैं तो चार टाइप्स के होते हैं एक्स एक्स एंड एक्स वाई जो कि हमारे को कहां देखने को मिलते हैं ह्यूमंस में और फ्रूट फ्लाई में राइट right? उसके बाद में हमारे पास क्या है एक्स एक्स एंड एक्सो जो कि हमारे को राउंड वॉर्म एंड ग्रास हॉपर में मिलते हैं इन एक्स एक्स एंड एक्स वाई में एक्स एक्स एंड एक्स वाई एंड एक्स एंड एक्सो में दोनों में हमारे पास जो फीमेल्स थी वो कैसी थी मोगेटिक थी लेकिन जो मेल्स थे हेटरोगेटिक थे जो मेल्स थे वो कैसे थे हेटरोगेटिक थे लेकिन अगर हम जेड डब्ल्यू जेड जेड जो कि बर्ड रेप्टाइल्स फिशेज में होता था सिल्क वर्म में होता था और साथ ही में जेडोजेडेड टाइप में जहां बटरफ्लाइज और मॉथ्स में होता था इनमें जो फीमेल्स थी वो कैसी थी हेटरोगेटिक थी कैसी थी हेटरोगेटिक थी आई बात समझ में आई बात समझ में या नहीं आई ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अब हम बात करेंगे, sex determination. अब हम हम बात बात करेंगे करेंगे हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस की कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है कौन सा टाइप होता है एक्स एक्स एंड एक्स वाई और इसको हम और क्या बोल सकते हैं इसको हम और क्या बोल सकते हैं एक्स वाई टाइप भी बोल सकते हैं कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। 23 पेयर ऑफ में से जो 22 हैं, वो किसके हैं ऑटोजोम के हैं किसके हैं ऑटोजोम्स के हैं और जो एक बचा हुआ पेयर है वो किसका है सेक्स क्रोमोजोम का पेयर है फीमेल में हमारे पास में दो पेयर ऑफ ऑटोजोम्स एंड या फिर जितने भी पेयर जितने भी ऑटोसोम से इनटू टू होंगे साथ ही में हमारे पास क्या होगा सेक्स क्रोमोजोम में एक्स एक्स मिलेगा एंड कैसे गमीट्स बनाएंगी सेम जीनोटाइप के सेम जीनोटाइप के एक्स देखने को मिलेंगे इसलिए हमने फीमेल्स को क्या बोला होमोगैमेटिक बोला जबकि मेल में हमारे पास में एक स्पर्म कैसा बनेगा ऑटोसोम प्लस एक्स राइट एंड दूसरा कैसा बनेगा ऑटोजोम प्लस क्रोमोजोम इसलिए मेल को क्या बोला हेटरोगिटिक बोला है क्या बोला है हेटरोगिटिक बोला है इतनी बात समझ आ गई अब यहां पर क्या होता है हमारे ह्यूमंस में इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि कौन सा स्पर्म आकर एग से फ्यूज करेगा कौन सा स्पर्म आकर से फ्यूज करेगा जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन का ह्यूमन में क्रॉस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं हम बोलते हैं कि एक क्या होगा फीमेल होगा फीमेल होगी जिसका क्या होगा एक्स एक्स होगा ठीक है और उसका क्या होगा दूसरे का मेल होगा और उसके पास क्या होगा एक्स वाई होगा ठीक है ये क्या बनाएंगे गमीट्स बनाएंगे एक्स एक्स गमीट्स बनाए फीमेल ने और मेल कैसे बनाएगा X एंड Y बनाएगा कैसे बनाएगा X एंड Y बनाएगा पुनेट स्क्वायर बना ले पुनेट स्क्वायर बना ले क्योंकि ये तो क्या आ गए आ गए। पुनेट स्क्वायर में यहां पर हम क्या डाल लेते हैं फीमेल को और उस तरफ क्या डाल लेंगे मेल के फीमेल में हमारे पास कैसे हैं? X और X है मेल में हमारे पास कैसे हैं? X और Y है कैसे हैं? X और Y है अब फ्यूजन करिए एक्स एक्स क्या बनी फीमेल बनी फिर क्या बना एक्स वाई मेल बना क्या बनेगी एक्स एक्स और इन दोनों को फ्यूज करेंगे तो एक्स वाई बनेगा तो हमारे पास क्या बनी हमारे पास में क्या बना दो हमारे पास में फीमेल्स बनी दो हमारे पास में क्या बनी फीमेल्स बनी एंड दो हमारे पास में क्या बने मेल्स बने तो यहां पर क्या है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी स्पर्म जाकर कोई भी स्पर्म जाकर किसी भी एग से फ्यूज करे लेकिन जेंडर किस पे डिपेंड करेगा स्पर्म पे डिपेंड करेगा क्योंकि स्पर्म ही यहां पर क्या है अलग अलग है इसीलिए यहां पर इक्वल प्रोबेबिलिटी है of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X chromosome or Y chromosome. तो जो genetic makeup है sperm का determine करता है क्या sex of the child की हमारे egg से Y वाला sperm जाके fuse करेगा तो male बनेगा और X वाला एक्स वाला स्पर्म फ्यूज करेगा तो फीमेल बनेगी ठीक है और हर प्रेगनेंसी में 50 50 परसेंट प्रोबेबिलिटी होती है कि मेल बने या फिर फीमेल चाइल्ड बनेगा आई बात समझ में ये क्रॉस समझ में आया नेक्स्ट यहां पर हम ऐसा ही क्रॉस बनाते हैं कि मेल्स में हमारे पास एक्स वाई होता है और फीमेल्स में एक्स वाई होता है यहां पर क्या है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांस है क्या है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांस है ये क्या बनी ये हमारा बना फीमेल ये क्या बनी एक्सेक्स फीमेल ये क्या है हमारी फीमेल राइट फीमेल इज डिनोटेड बाय ग्रीन कलर फीमेल इज डिनोटेड बाय ग्रीन कलर एंड मेल इज डिनोटेड बाय ऑरेंज कलर तो क्या हुआ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट बना यहां पर मेल एंड फीमेल का रेशियो आया आई बात समझ में अब अब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बीज होता है ना ये बड़ा मजेदार होता है यहां पर क्या होता है हम जैसे ह्यूमंस में तो दो ही तरीके के लोग होते हैं एक मेल एक फीमेल लेकिन यहां पे हनी बीज में तीन तरीके के लोग होते हैं क्या होते हैं यहां पर हनी बीज में तीन तरीके के लोग होते हैं और जो उनका सेक्स होता है कि उनका जेंडर क्या होगा वो डिपेंड करता है कि उनको कितने क्रोमोसोम्स मिले उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है हनी बी का सेक्स आई बात समझ में कैसे अब हनी बी में क्या है पहले तो यहां पर सेम डिवीजन है कि मेल भी है एंड क्या है फीमेल भी है लेकिन जो ये फीमेल है ये दो तरह की फीमेल्स हैं। फीमेल एक जो क्या बनाएगी वर्कर बनाएगी क्या बनाएगी वर्कर बनाएगी और दूसरी फीमेल जो आपके बी हाइफ की रानी बनाएगी दैट इज क्वीन और जो मेल है वो क्या बना के जाएगा ड्रोन बनाकर जाएगा क्या बनाकर जाएगा ड्रोन बना कर जाएगा अब इन तीनों के सबके अलग अलग काम है, जो ड्रोन है वो क्या है करता है हमारी जो क्वीन है उसके साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वेट करता है अपने जो मेल गमीर से उसको क्वीन में क्या करने होते हैं ट्रांसफर करने होते हैं इतनी बात समझ आ गई ये जो वर्कर है यही सबसे ज्यादा मेहनती होती है यही सबसे ज्यादा क्या होती है मेहनती होती है जो बीहाइव बनाती है क्या बनाती है बी हाइव बनाती है हनी को इकट्ठा करती है हाइव की क्या करती है क्लीनिंग करती है यही सब क्या करती है क्वीन के लिए फूड भी लाती है नरिशमेंट करती है सारा काम कौन करती है हमारी वर्कर्स करती हैं। ये नाच के भी दिखाती है अलग अलग बी डांस करके भी दिखाती है कि जो खाना है वो पास में है या दूर है तो ये जो वर्कर होती है ये फीमेल होती है और ये बहुत ही ज्यादा मेहनती होती है सारे काम यही करती है लेकिन क्वीन क्या होती है थोड़ी सी क्या होती है मैं कोई भी काम नहीं करूंगी मैं सिर्फ क्या करूंगी मैं सिर्फ हमारे जो हाइव है उसका आगे बढ़ाऊंगी उसको आगे बढ़ाऊंगी मतलब क्या करूंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूंगी क्वीन क्या बोलती है मैं कोई काम नहीं करूंगी मैं क्वीन हूं मैं रानी हूं तो मैं सिर्फ क्या करूंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूंगी और हमारी सारी हनी बीज के वंश को आगे बढ़ाऊंगी इतनी बात समझ आ गई तो यहां पर क्या हुए हनी बी के यहाँ पर हमारे पास मेल एंड फीमेल है लेकिन हम बोल रहे थे कि तीन टाइप्स हैं यहाँ पे तो जो मेल है वो ड्रोन है एक दो फीमेल्स है वर्कर और क्वीन इतनी बात समझ आई अब ट्विस्ट कहाँ आता है ट्विस्ट ये आता है कि जो ड्रोन है उसके पास में कितने क्रोमोजोम्स है सिक्सटीन क्रोमोजोम्स है क्या है सिक्सटीन क्रोमोजोम्स है अब तुम देखो मैंने यहाँ पे एन लिखा है टू एन नहीं लिखा है मतलब कि जो ड्रोन है हमारा वो कैसा है है कैसा है है वर्कर के पास में यहाँ पर क्या होता है टू एन होता है मतलब कि थर्टी टू होते हैं क्या होते हैं थर्टी टू क्रोमोजोम्स होते हैं एंड क्वीन के पास भी कितने होते हैं थर्टी टू क्रोमोजोम्स होते हैं आई बात समझ में ठीक है तो ये जो ड्रोन है इसके पास में सोलर क्रोमोजोम है कैसे क्योंकि जो ड्रोन है वो किससे बना है अनफर्टिलाइज एग से बना है पार्थीनो जेनेसिस से बना है किससे बना है पार्थीनो जेनेसिस से बना है अनफर्टिलाइज से बना है आई बात समझ में तो अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो फिर जो प्लॉइडी है वो तो रिकवर ही नहीं होगी एन टू एन नहीं बनेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एग और स्पर्म फ्यूज ही नहीं करे तो ये क्या है सिर्फ वो एग है क्वीन का जो कि फर्टिलाइज नहीं हुआ है मतलब n इक्वल्स टू सिक्सटीन ही रहा है इतनी बात समझ आ गई अब यहां पर जो हमारी वर्कर है वो क्या है फर्टिलाइज एग से बनी है क्वीन भी फर्टिलाइज एग से बनी है लेकिन जो वर्कर है वो कैसी होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती है और इसलिए स्टराइल होती है और जो क्वीन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाती है इसलिए कैसी होती है फर्टाइल होती है और क्वीन के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है ड्रोन करता है इसलिए ड्रोन भी कैसा होता है फर्टाइल होता है कैसा होता है ड्रोन भी फर्टाइल होता है अब बात सोचने की यह है कि जो ड्रोन है वो तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो ये अपने गमीट्स नियोसिस से बनाएगा कि माइटोसिस से ऑलरेडी हैप्लॉइड है और इसको गमीट्स बनाने हैं तो क्या करेगा ये माइटोसिस करके अपने स्पर्म्स बनाएगा जबकि फीमेल की अगर हम बात करें तो वो डिप्लॉयड है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मियोसिस करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा मियोसिस करना पड़ेगा और मियोसिस करके वो अपने क्या बनाएंगी एन सिक्सटीन वाले एग्स बनाएगी इतनी बात समझ आ गई इतनी बात समझ आ गई अब यहां पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि फीमेल क्या है दोनों फीमेल्स जो हमारे पास क्या है वो हमारे पास टू एन है मतलब कि दोनों किससे बनी है फर्टिलाइज से बनी है तभी तो n 2n क्या हुआ 32 हुआ दोनों ही किससे बनी है फर्टिलाइज एग से बनी है इतनी स्टोरी तो हमें समझ आई अभी इतनी स्टोरी तो हमें क्या आई समझ आई लेकिन इनमें से कौन सी क्वीन बनेगी और कौन सी वर्कर बनेगी ये कौन डिसाइड करके जाता है तो यह डिसाइड करता है कि इनमें से न्यूट्रिशन रॉयल जेली का किसको मिलेगा न्यूट्रिशन रॉयल जेली का किसको मिलेगा तो जिस भी एग को रॉयल जेली या फर्टिलाइज होने के बाद में जब बी बन गई तो जिस भी बी को रॉयल जेली पे फीड कराया जाएगा वो ही क्या बनेगी वो ही हमारी रानी क्वीन बनेगी इतनी बात समझ आ गई और बाकी होंगे जिनको नॉर्मल न्यूट्रिशन दिया जाएगा जिनको नॉर्मल हनी फीड किया जाएगा वो क्या बनेंगे वो वर्कर्स बनेंगे क्या बनेंगे वो हमारे वर्कर्स बनेंगे आई बात समझ में कि कैसे फीमेल दोनों फर्टिलाइज होकर एक क्वीन बनी एक वर्कर बनी जिसको क्या फीड कराया गया रॉयल जेली फीड कराई गई वो क्वीन बनी जिसको क्या फीड कराया गया नॉर्मल न्यूट्रिशन नॉर्मल हनी फीड कराया गया उसको क्या बनाया वर्कर बनाया जो कि पूरा बी हाइफ का क्लीनिंग देख न्यूट्रिशन लाना प्रोटेक्शन करना सब कौन करेंगे वर्कर्स करेंगे सब कौन करेंगे वर्कर्स करेंगे ड्रोन का और क्वीन का काम क्या है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना अब जब क्वीन मेच्योर हो जाती है तो उसको क्या करना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो किस पे जाती है एक फ्लाइट पे जाती है। किस पे जाती है नपचियल फ्लाइट पे जाती है और मेल्स की इच्छा ये होती है कि हम इसके साथ में क्वीन के साथ में क्या करें फर्टिलाइज करें मेट करें हम हमारे जो मेल गमीट्स हैं वो किसको दे दें क्वीन को दे दें ठीक है तो इन सारे मेल्स में से सिर्फ एक मेल अपने मेल गमीट्स दे पाता है किसको क्वीन को दे पाता है आई बात समझ में और जो मेल क्वीन को अपने मेल गमीट्स देता है उसको क्या देना पड़ता है सैक्रिफाइस देना पड़ता है मेल गमीट्स देते से ही वो मेल क्या हो जाता है उसकी डेथ हो जाती है क्या हो जाता है डेथ हो जाती है उसको पता नहीं होता कि मैं मेल गमीट्स दूंगा तो मेरी डेथ हो जाएगी उसको तो ये पता होता है कि मुझे क्या करना है मुझे सिर्फ मेटिंग करनी है लेकिन मेटिंग के बाद में उस मेल की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है और वो कभी भी वापस हाइव में नहीं आ पाता है फिर क्या होगा फिर वही सेम स्टोरी होगी हमारी हनी बी के जो भी क्वीन के क्या होंगे अनफर्टिलाइज एग्स होंगे वो ड्रोन बनाएंगे जो फर्टिलाइज होंगे वो फीमेल बनाएगी और जिस फीमेल को जिस फीमेल को रॉयल जेली खिलाई जाएगी वो क्या बनेगी क्वीन बनेगी इतनी बात आई समझ में इतनी बात आई समझ में तो यहां पर क्या है हमारे इस सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी को क्या बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन क्योंकि ड्रोन क्या होता है ड्रोन हैप्लोइड होता है और जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो दो होती हैं एक हमारी क्वीन होती है और एक हमारी वर्कर होती है इसलिए इसको क्या बोला है हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों बोला सेक्स डिटरमिनेशन क्योंकि जो नंबर है ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम जो नंबर है ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम एक इंडिविजुअल में वो ही डिसाइड करेगा कि वो मेल बनके जाएगी या फीमेल बनके जाएगी आई बात समझ में तो जो मेल है वो अपने स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस करेगा माइटोसिस से प्रोड्यूस करेगा क्योंकि जो मेल है जो ड्रोन है उसकी प्लॉयडी क्या है वो हैप्लॉयड है उसका क्या है 16 है क्रोमोसोम्स आई बात समझ में या नहीं आई नेक्स्ट ठीक है अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारा यहाँ क्या है ये क्वीन है क्वीन के पास क्या है डिप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ठीक है चेके? मतलब टू है यहाँ पर हमारे पास ड्रोन के पास क्या है एन हैप्लोइड है क्या है यहाँ पर हैप्लोइड है राइट right? अब ये क्या करेंगे क्वीन अपने गमीट्स किससे बनाएगी क्वीन अपने गमीट्स मियोसिस से बनाएगी क्योंकि उसको क्या करना है हैप्लोइडी हाफ करनी है जो प्लॉयडी pl है उसको हाफ करनी है ड्रोन कैसे बनाएगा ड्रोन माइटोसिस से बनाएगा ड्रोन किससे बनाएगा माइटोसिस से बनाएगा इक्वेशनल डिवीजन से बनाएगा तभी तो उसके क्रोमोजोम्स में क्या आएंगे 16 सेट ऑफ आएंगे और इन दोनों के फ्यूजन के बाद क्या होएगा फर्टिलाइजेशन के बाद में एक बनेगी अगर कोई एग अनफर्टिलाइज रह जाता है तो वो ड्रोन बनाएगा फर्टिलाइज हो जाता है तो अगर किसी क्वीन को किसी फीमेल को जिस भी फीमेल को रॉयल जेली खिलाई जाएगी वो क्या बनेगी क्वीन बनेगी दूसरों को नॉर्मल न्यूट्रिशन बने मिलेगा तो वो वर्कर बन जाएंगी आई बात समझ में चलिए अब हम यहां पर क्या देखेंगे हमारे पास में यहां पर एक टेबल है जिसमें हमारे पास ड्रोन है और वर्कर है और क्वीन है ये हमारे इनके क्या लिखे हुए हैं सेक्स लिखे हुए ड्रोन मेल होता है अनफर्टिलाइज से बनता है फर्टाइल होता है लेकिन Haploid होता है 16 सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं वर्कर फीमेल होती है फर्टिलाइज एग से बनती है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती स्टेराइल होती है और उसमें सेट ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं 32 होते हैं क्वीन क्या है फीमेल है फर्टिलाइज एग से बनी है फर्टाइल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है राइट right? एंड उसमें जो प्लॉयडी है वो डिप्लॉयड है एन कितने होते हैं सेट ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं थर्टी टू होते हैं इतनी बात समझ आए इतनी बात समझ आए चलो तो अब हमारे क्या बचे थे ये तो हो गया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में भी और भी में भी साथ में हमने सारे टाइप्स भी पढ़ लिए दो कॉन्सेप्ट हमारे बचे थे एक प्लियो ट्रॉपी और एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की तो यहां पर हो क्या रहा है जैसे कि आप नाम सुनते हो किसका पॉलीजेनिक क्या है ये पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक मतलब पॉली मतलब मेनी पॉली मतलब मेनी एंड जेनिक मतलब जीन्स की बहुत सारे जीन्स क्या करेंगे क्या करते हैं जीन्स बहुत सारे जीन्स एक ही फिनोटाइप को करेंगे only one when many genes are with only one आई बात समझ में फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में अगर हम देखें ह्यूमंस में अगर हम क्या देखते हैं अगर हम स्किन कलर देखते हैं अगर हम स्किन का कलर देखते हैं तो स्किन के कलर के लिए कितने जीन्स रिस्पॉन्सिबल है थ्री जीन्स रिस्पॉन्सिबल है ठीक है और इन थ्री जीन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक रेंज ऑफ एक्सप्रेशन आता है आई बात समझ में क्या आता है हमारे पास में एक रेंज ऑफ एक्सप्रेशन आता है ऐसा होता है क्या कि कोई बिल्कुल क्या है कोई बिल्कुल गोरा है और कोई बिल्कुल ही काला है ऐसा है या फिर हमारे पास वेराइटी ऑफ कलर्स है या फिर हमारे पास में क्या है वेराइटी ऑफ कलर्स है लाइट कलर भी बहुत सारे हैं डार्क कलर भी बहुत सारे हैं और बीच के व्हीटेश कलर भी क्या है बहुत सारे हैं तो क्या मिलता है हमारे को पॉलीजीनिक बहुत सारे जीन्स थ्री और मोर देन देन और मोर जीन्स क्या होते हैं कंट्रोल करते हैं हमारा एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन फिनोटाइप जैसे कि ह्यूमंस में स्किन कलर ह्यूमंस की हाइट ह्यूमंस की हाइट अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एकदम डॉल्फ है और एकदम कोई टॉल है मेंडल की तरह मेंडल के पाइस हमसे की तरह ऐसा तो नहीं है ना हमारे पास तो सारी तरह की हाइट्स भी बिल्कुल डॉफ भी और उससे एकदम ग्रेडियंट में चलता हुआ हमारे पास में एक्सेसिव टॉल भी है आई बात समझ में तो यहाँ पर क्या है अगर हम यहाँ पर स्किन कलर की बात करते हैं अगर हम यहां पर स्किन कलर की बात करते हैं तो स्किन कलर को डिटरमाइन करने वाले कितने हैं स्किन कलर को डिटरमाइन करने वाले हमारे पास में तीन जीन्स हैं। कौन से कौन से तीन जीन्स हैं ए बी एंड सी ठीक है अब ये जो ए बी एंड सी जीन्स हैं इनके जो डोमिनेंट होंगे जो क्या होंगे जो ए बी एंड सी है ये रिस्पॉन्सिबल है डार्क कलर्स के लिए ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डार्क कलर के लिए और जो इसके स्मॉल हैं, वो क्या है रिसेसिव जीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है लाइट कलर के लिए वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइट कलर के लिए तो अगर हम फीनोटाइप जीनोटाइप्स बनाते हैं यहां पर तो कैपिटल है कैपिटल है कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी तो ये जो जीनो टाइप है कैसा फीनोटाइप देगा डार्केस्ट स्किन कलर देगा क्या देगा डार्केस्ट स्किन कलर देगा इतनी बात समझ आ गई लेकिन यहीं पे अगर हम सबको क्या रख दें सबको रिसेसिव स्टेज में रख दें ए ए स्मॉल बी ए, बी ए, स्मॉल स्मॉल सी स्मॉल सी तो हमारे को क्या मिलेगा लाइटेस्ट स्किन कलर मिलेगा क्या मिलेगा लाइटेस्ट स्किन कलर मिलेगा आई बात समझ में क्या मिला लाइटेस्ट स्किन कलर लेकिन अगर यही हमारे पास में एक अलग फिनोटाइप आता है कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी तो हमारे को यहां क्या मिलता है इंटरमीडिएट स्किन कलर मिलता है क्या मिलता है इंटरमीडिएट स्किन कलर मिलता है मतलब कि यहां पर जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं जितने ज्यादा डोमिनेंट ट्रेट्स होंगे उतना ही क्या आएगा एक्सेसिव उतना ही इंटेंस एक्सप्रेशन आएगा आपके जीन का सारे डोमिनेंट थे तो डार्के स्किन कलर हो गया कोई भी डोमिनेंट नहीं था तो लाइट स्किन कलर हो गया लाइटेस्ट और तीन ही डोमिनेंट थे तो बीच का आया आई बात समझ में तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर जो अलील्स हैं, उनका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है एडिकटिव एक्सप्रेशन है मतलब कि जितने ज्यादा डोमिनेंट उतना ज्यादा एक्सप्रेशन ऑफ योर जीन आई बात समझ में ठीक है तो क्या कहती है पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस मतलब अगर कोई एक फिनोटाइप को थ्री या थ्री से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस और वो ट्रेड्स जिनको तीन या तीन से ज्यादा जींस कंट्रोल करते हैं उन जी को हम क्या बोलते हैं ट्रेड्स ठीक है पॉलीजीनिक ट्रेट्स, अब ये जो ट्रेड्स है इनको इन्वायरमेंट भी कंट्रोल करता है ऐसा तो है नहीं कि तुम क्या हो थोड़े फेयर हो लेकिन धूप में जाओगे तो काले नहीं होगे गए प्रोडक्शन नहीं होगा तो गोरे के गोरे रहोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि टैनिंग हो गई तो तुम्हारा जो फिनोटाइप है वो क्या हो गया चेंज हो गया फिनोटाइप चेंज किसकी वजह से हुआ इनवायरमेंट की वजह से हुआ लेकिन जीनो टाइप तो चेंज नहीं कर पाया तुम्हारा जीनो टाइप तो चेंज नहीं कर पाया सिर्फ क्या हुआ तुम्हारा थोड़ा सा इनवायरमेंट की वजह से मॉडिफाई हो गया है ठीक है सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव मतलब जितने ज्यादा डोमिनेंट होंगे उतना ज्यादा इंटेंस क्या होएगा एक्सप्रेशन होएगा। एग्जाम्पल क्या है स्किन कलर का जैसे हमने देखा जीन्स कौन कौन से ए बी एंड सी ठीक है अब यहां पर जैसा हम देख सकते हैं कि अगर डोमिनेंट फॉर्म है तो डार्क स्किन कलर होगा फॉर्म है तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी रिस्पॉन्सिबल है लाइट स्किन कलर के लिए तो यहां पर नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ अलील इन द जीनो टाइप डिटरमाइंस द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन इन एन इंडिविजुअल टेबल में देखें आओ तो यहां पर क्या है सारे कैपिटल हुए सारे डोमिनेंट हुए हमारे पास अलील तो डार्केस्ट स्किन कलर सारे अगर रिसेसिव है तो लाइटेस्ट स्किन कलर एंड सारे अगर हमारे पास कैसे हैं यहाँ पर क्या है एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एक डोमिनेंट एक रिसेसिव तो इंटरमीडिएट कलर आएगा कैसा कलर आएगा इंटरमीडिएट कलर तो यहां पर ये टेबल देख के हमें क्या समझ आ रहा है कि जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील्स होंगे उनका एडिटिव एक्सप्रेशन होगा आई बात समझ में ठीक है हमारा एक कॉन्सेप्ट और क्या था हमारा था प्लियोट्रॉपी अभी हमने क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारे जीन्स एक फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं तो यहां पर बिल्कुल उल्टा है इसका कि बहुत सारे फिनोटाइप को एक जीन कंट्रोल कर रहा है मतलब सिंगल जीन वन जीन लेकिन किसको कंट्रोल कर रहा है सेवरल फिनोटाइप किसको कंट्रोल कर रहा है सेवरल फिनोटाइप तो सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फीनोटिपिक एक्सप्रेशन इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक मेटाबोलिक कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप अब यहां पर जो प्लियोट्रॉपी करते हैं जीन्स वो यूजली क्या करते हैं एक सबस्ट्रेट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जैसा कि हमने कहा पढ़ा था पी में पढ़ा था कि हमारे पास में जो बी जीन था वो क्या बनाता था स्टार्च सिंथेसाइजिंग एंजाइम था क्या था स्टार्च सिंथेसाइजिंग एंजाइम था ठीक है याद आई बात तो उसमें क्या हुआ जो बी जीन था वो क्या बनाता था अगर डोमिनेंट फॉर्म में हो तो वो क्या बनाता था लार्ज स्टार अगर वो रिसेसिव में हो तो वो स्मॉल स्टार्च स्टार्ज बनाता था लेकिन जब लार्ज स्टार्च सीड्स वाले जब सीड्स मिच्योर होते थे तो वो राउंड बनाते थे सीड राउंड भी मिलता था लेकिन बी स्मॉल बी जीन वाले जो सीड्स थे वो स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स बनाते थे और वो कैसे सीड्स बनते थे रिंकल्ड बनते थे लेकिन यही हमारे पास अगर ये इंटरमीडिएट हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन आ जाए तो हमारे पास क्या बनते थे हमारे पास क्या बनते थे यहां पर राउंड सीड्स बनते थे राउंड सीड्स बनते थे लेकिन जो स्टार्च ग्रेन्स थे वो इंटरमीडिएट साइज के बनते थे तो यहां पर एक ही जीन ने दो दो फिनोटाइप कंट्रोल किए हमारे सीड का शेप भी और स्टार्च ग्रेन का साइज भी आई बात समझ में तो यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जाम्पल सबसे बड़ा कौन है हमारे ह्यूमंस में फिनाइल कीटोन यूरिया जो डिजीज होती है हमारे में जहां पर हमारा एक सिंगल जीन म्यूटेशन होता है कौन से जीन में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कोड करने वाले जीन में एक जीन में चेंज हुआ लेकिन फिनोटाइप कितने सारे चेंज हो गए मेंटल रिटार्डेशन रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन में पिगमेंटेशन मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा बाल जो होंगे वो कम हो जाएंगे और स्किन में क्या होएगा पिगमेंटेशन होएगा कलरेशन आ जाएगा तो यहां पर क्या हो रहा है एक जीन चेंज हो रहा है लेकिन कितने सारे फिनोटाइप देकर जा रहा है इसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला है प्लियोट्रोपिजम बोला है तो ये था हमारा आज का क्लास नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में और साथ ही बहुत सारे क्रोमोजोमल एबरेशंस के बारे में तब तक के लिए बाय बाय